ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू हिनास कुक बुक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंजाब की सबसे ज़्यादा फेमस ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल पंजाबी थाली, सरसों दा साग और मक्के की रोटी। तो फ्रेंड्स, आज हम सरसों दा साग दो तरीके से बनाएंगे, एक ऑथेंटिक तरीके से और दूसरा साग पनीर, जो सरसों के साथ पनीर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें तीन तरह की भाजी चाहिए, सरसों की भाजी, पालक की भाजी और मेथी भाजी, या तो बथुआ की भाजी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ मेथी भाजी यूज़ कर रहे हैं। अब ये तीनों भाजी की साफ करना है, इसकी डंडियाँ निकालनी है और अच्छे से दो तीन पानी से धो के उसको ड्राई कर लेना है। ऑथेंटिक तरीके से बनाने के लिए हमने यहाँ मिट्टी का बर्तन लिया है, तो अब हम इसमें पहले पानी उबालने के लिए रख देते हैं, जिसमें हम भाजी को उबालेंगे। जब तक इसमें पानी उबलता है, तो उस दरमियान हम तीनों भाजी को एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। आप देख सकते हो, भाजी को हमने एकदम बारीक बारीक काटनी है। इस सब्जी में हमने पालक और मेथी इसीलिए यूज़ किया है कि पालक इस सब्जी को कलर देंगे, मेथी की भाजी सब्जी को स्वाद और स्मूथनेस देगा। आप सोचते होंगे कि मेथी इसमें क्यों डाली है, लेकिन मेथी से उसका स्वाद भी बढ़ता है। इस रेसिपी बनाने में ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत मिलेगी आपको, तो आप वीडियो जरूर अंत तक देखना। तो अभी हमारी तीनों भाजी काट के रेडी हो गई है। हमने यहाँ चार सर्विंग के लिए सरसों दा साग बनाया है। इसके लिए हमने सरसों की भाजी 500 ग्राम ली है, पालक की भाजी 250 ग्राम्स ली है और मेथी की भाजी 100 ग्राम्स ली है, यही नाप रहता है। हमने जो पानी उबालने के लिए रखा था, वो पानी उबल रहा है, तो अब हम इसमें भाजी डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं हैंड चर्नर की मदद से। ये भाजी को हमें उबलते हुए पानी में ही डालनी है, नहीं तो कलर खराब हो जाता है। अब इसको हमें कम से कम 40 या 50 मिनट तक स्लो आंच पे पकने देना है, ढकना नहीं है, नहीं तो कलर खराब हो जाता है। और इसे प्रेशर कुक भी नहीं करना है, तो भी कलर खराब हो जाता है। जब तक ये बॉईल होता है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं और बीच बीच में उसको हैंड चर्नर से हिलाते रहेंगे। मिक्सी के जार में हम 4 ग्रीन चिली, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और एक छोटी कटोरी लहसुन की कलियां लेके हम उसको पीस लेते हैं। उसकी फाइन पेस्ट हमें नहीं बनानी है, कोर्सली पीसना है। इस रेसिपी में आप गार्लिक अवॉइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका हमें ऐसा दरदरा पीसना है। इसमें पानी थोड़ा कम लगता है, तो थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये हमने जो दरदरा पेस्ट बनाई है, इसमें से 2-3 चम्मच जितना उबलती हुई भाजी में हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी उसको पकने देते हैं और हम मक्के की रोटी का आटा बना लेते हैं। मक्के की रोटी के लिए हमने 1.5 बाउल मक्के का आटा लिया है, 1/4 गेहूं का आटा और 1/4 मैदा। इसकी जगह में आप सिर्फ मैदा और सिर्फ गेहूं का आटा भी ले सकते हो। तो आटा बनाने के लिए हम पहले पानी को गर्म करना रख देते हैं। एक उबाल आने तक पानी गर्म करना है। इसमें पानी का नाप है 1.5 बाउल पानी लेना है, जितना मक्के का आटा है इतना लेना है। पानी बॉईल हो गया है, अब गैस की आंच को बंद करके इसमें मक्के का आटा डाल के उसको बेलन की मदद से हिला लेते हैं अच्छे से। अब इसको ठंडा होने देते हैं। आप देख सकते हो, भाजी हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है और थोड़ा पानी रहा है, तो अब इसको और भी धीमे आंच से होने देते हैं। अभी हमारा आटा ठंडा हो गया है, तो इसमें हम गेहूं का आटा, मैदा, नमक और थोड़ा हल्दी मिला के उसको अच्छे से आटा गूंथ लेते हैं।
आटा गूंथते समय आपको पानी की ज़रूरत है तो ठंडा पानी थोड़ा डाल सकते हो। तो अभी हमारा आटा गूंथ गया है, आप देख सकते हो इतना सॉफ्ट रखना है। अब इसको हम आधा एक घंटे का रेस्ट देते हैं। ये हमारी भाजी ऑलमोस्ट गल चुकी है, लेकिन आप इसको हल्के से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एकदम फाइन प्यूरी नहीं बनाना है। अब ये हमारा पानी काफ़ी कम हो चुका है और भाजी भी अच्छे से गल चुकी है। ऑलमोस्ट ये पकते पकते एक घंटा हो चुका है, तो अब इसमें हम नमक और आलन डाल देते हैं। आलन में हम इसमें मक्के का आटा डालेंगे। नमक लास्ट में हम इसीलिए डाल रहे हैं कि भाजी ज़्यादा दिखती है, तो भाजी गल जाने के बाद हमें हिसाब रहता है कि नमक कितना डालना है। मक्के का आटा हमें इतना डालना है कि उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा मक्के का आटा डाल के हिलाते रहेंगे। तो पहले हम एक चम्मच डाल के हाथ से स्प्रिंकल करेंगे। एक जगह में चम्मच से डालने से इसमें लम्स बन जाते हैं। इसमें हमने 3 चम्मच जितना मक्के का आटा यूज़ किया है। पानी एकदम एब्जॉर्ब हो गया है। आलन डालने के बाद उसको 10-15 मिनट स्लो आंच पे होने देना है, तो तब तक हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इतनी तैयारी हो चुकी है, तो तड़का हमें जब खाना है तभी हमें लगाना है। तड़के के लिए गैस की आंच को स्टार्ट करके तवे में हमने 2 चम्मच घी डाला है। पहले इसमें हरी मिर्च और सूखा लाल मिर्च का टुकड़ा डाल के उसको अच्छे से सोते कर लेते हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की जो हमने दरदरा पेस्ट बनाई थी वो डाल देते हैं और अच्छे से सोते होने देते हैं। सोते हो जाने के बाद थोड़ा हम बारीक काटी हुई प्याज डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से सोते होने देते हैं। ये हरी मिर्च को हम बाहर निकालेंगे, गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसमें हम प्याज और गार्लिक होल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो अभी हमारी प्याज भी अच्छे से सोते हो गई है, तो हम भाजी देख लेते हैं। तो अभी हमारी भाजी एकदम क्रीमी और थिक पेस्ट जैसा बन गया है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 सब्जी बनाएंगे। तो अब इसको हम तड़के में डालेंगे। आप देख सकते हो उसको अच्छे से मिलाने के बाद अब हमारी सरसों की भाजी रेडी हो गई है। तो अब हम इसको सर्व कर देते हैं। इसको हम घर पे बनाया हुआ सफ़ेद मक्खन से गार्निश करेंगे। तो अब हम दूसरी रेसिपी साग पनीर बनाएंगे। तो अब हम साग पनीर बनाने के लिए तवे में घी डालकर पनीर को रोस्ट कर लेते हैं। जब तक ये पनीर स्लो आंच पे दोनों साइड रोस्ट होता है, तब तक हम इसमें डालने के लिए मसाला मिक्स कर लेते हैं। एक कटोरी लेके इसमें 1/4 स्पून नमक, 1/4 स्पून जीरा भुना पाउडर, 1/4 स्पून चाट मसाला, 1/4 स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 स्पून कसूरी मेथी हाथ से मसल कर, ये सारे मसाले हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमारा पनीर दोनों साइड अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो उसके ऊपर हमने जो मसाला मिक्स किया है वो स्प्रिंकल कर लेते हैं। दोनों साइड स्प्रिंकल करना है और उसको फिर से मसाला डालने के बाद रोस्ट कर लेते हैं ताकि मसाला पक जाए। तो हमारा पनीर रोस्ट हो गया है, तो उसको साइड पे रखते हैं और साग पनीर का तड़का लगाते हैं। तो इसके लिए हम तवे में 1 चम्मच घी लेंगे। इसमें थोड़ा गर्म हो जाने के बाद जीरा डालेंगे 1/4 स्पून जितना। थोड़ा रोस्ट होने के बाद हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की जो हमने दरदरा पेस्ट बनाई थी वो 2 टीस्पून डालेंगे और उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट हो जाने के बाद बारीक कटी हुई प्याज 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब उसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं और लास्ट में हम 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे और अब सारी चीज़ों को अच्छे से पकने देते हैं। अब ये सारा
अच्छे से रोस्ट हो गया है तो इसमें हमने जो सरसों की भाजी पकाई थी वो डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के बाद गैस की आंच को हम बंद कर देंगे। ये हमारी साग पनीर सब्जी रेडी हो गई, तो इसमें हम पनीर लास्ट में सर्व करने के टाइम ही डालेंगे। तो अब हम दूसरा सरसों का साग पनीर सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सरसों का साग और साग पनीर दोनों सब्जी रेडी हो गई है। तो अब हम सर्व करने के लिए मक्के की रोटी बना लेते हैं। मक्के की आटे हमने 1 घंटे पहले बनाया था, अब उसमें 1 चम्मच तेल डाल के उसको अच्छे से मसल लेते हैं। अब रोटी बनाने के लिए बॉल बना के हम उसकी ड्राई आटा लेके अच्छे से पतली रोटी बेल लेते हैं। अब इसको हम गरम तवे में डाल के रोटी की तरह दोनों तरफ पका लेते हैं और हल्के हाथ से दबा के उसको फुला भी सकते हैं। तो अब हमारी मक्के की रोटी रेडी हो गई, उसको हम सफ़ेद मक्खन डाल के सर्व करेंगे। तो अभी हमारी पंजाब की सबसे ज़्यादा फेमस ऑथेंटिक और ढाबा स्टाइल पंजाबी थाली सरसों का साग और मक्के की रोटी रेडी है। इसके साथ में हम सफ़ेद मक्खन, ऑनियन लच्छा और जीरा मसाला छाछ सर्व करते हैं। तो आप भी अपने घर पे ये सब्जी बना के एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और कमेंट्स भी ज़रूर करना आपको कैसी ये रेसिपी लगी। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगली रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।